हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न बाय हार्ट विद पायल टुडे वी विल लर्न अबाउट ग्रामा चैप्टर वन एंड मोर देन वन दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में आज जानने वाले हैं हम इस वीडियो में सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना सीख करने का सारे रूल्स सीखने वाले हैं और और प्रैक्टिस करने वाले हैं विद वर्कशीट इसलिए एंड तक वीडियो को देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेट्स स्टार्ट वन एंड मोर देन वन वन मत एक मोर देन वन मोर मतलब ज्यादा देन मत, मत से वन वन मत एक एक से ज्यादा मतलब अनेक मतलब मेनी वन एंड मेनी वन का और एक नाम है सिंगुलर एस आई एन सिंह जी यू गु एल एगुलर मतलब वन मतलब एक प्लूरल पी एल यू प्लू आर एलरल प्लूरल प्लूरल मीन्स मेनी मतलब बहुत सारे मतलब मोर देन वन एक से अनेक अब जान लेते हैं कौन से वर्ड को हम एक से अनेक कर पाते हैं हम एक से अनेक नाउन को कर पाते हैं नाउन मतलब नेमिंग वर्ड तो नाउन क्या है नाउन्स आर द नेम्स ऑफ वन और मोर देन वन पीपल एनिमल्स प्लेसेस एंड थिंग्स नाउन नाम होते हैं एक या अनेक व्यक्तियों का एनिमल्स मतलब जानवरों का जगहों का और चीज़ों का तो नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन एक हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं तो देखते हैं क्या क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल चेंज करना हम इस वीडियो में सीखेंगे इसको चेंज करने का टोटल एट रूल्स हैं सारे एट रूल्स को हम वन बाय वन सीख लेंगे तो सबसे पहले और सबसे आसान तरीका होता है वन से मेनी करने का सिंगुलर से प्लूरल करने का बाय एडिंग एस नाउन के एंड में एस जोड़ दो नाउन मतलब जो भी नाम है उसके लास्ट में अंत में एंड में एस जोड़ दो जैसे एप्पल एप्पल्स एप्पल के एंड में एस जोड़ दिया कैट कैट्स डॉल डॉल्स बुक बुक्स एड एस टू मेक प्लूरल नाउन्स एस एड कर दो प्लूरल नाउन बनाने के लिए तो ये हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले बात क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए तो क्या करने बोले यहाँ पर एड एस एस जोड़ो टू मेक प्लूरल नाउंस प्लूरल नाउन बनाने के लिए एस जोड़ो ये आसान था धीरे धीरे हम लोग टफ में जाएंगे ये आप लोग कर लोगे नेक्स्ट रूल में जाते हैं रूल नंबर रूल नंबर टू तो रूल नंबर टू में सबसे पहले याद रखना है नाउंस विच आर एंडिंग विथ एस एच एक्स ओ सी एच एस एच डबल एस इनमें से किसी में भी अगर एंड होता है तो हम लोग लास्ट में ई एस जोड़ेंगे तो याद कर लो एस एच एक्स ओ ये तीन ये चार मेन है एस एच एक्स ओ एस एच एक्स ओ सी एच एस एच डबल एस ये सारे एंड में रहे तो क्या करेंगे एस yes, जोड़ देंगे क्या तो लो टेक एन एग्जाम्पल ब्रांच बी आर ए एन सी एच देखो लास्ट में सी एच है तो क्या होना चाहिए ई एस टोमेटो टी ओ एम ए टी ओ टमेटो तो क्या होगा लास्ट में ओ है तो क्या करेंगे ई yes, एस जोड़ देंगे टमेटोज़ पटैटो पटैटोज मैंगो मैंगोज एम ए एन जी ओ मैंगो लास्ट में ओ है क्या हो जाएगा ई एस जोड़ देंगे बस बसेस एस है ग्लास ग्लासेस डबल एस है एक्स देखो बॉक्स बॉक्सेस विच चुड़ैल विच विचेस लास्ट में सी एच है तो ई एस जोड़ देंगे चलो नाउ प्रैक्टिस टाइम अब आप लोग करके देखो एड एस टू मेक प्लूरल नाउ हर जगह एड ई एस नहीं लिखा रहेगा एड एस एड ई एस ये सब नहीं लिखा रहेगा आप लोग को लिखा रहेगा चेंज इन टू प्लूरल फॉर्म प्लूरल फॉर्म में चेंज करो तो आपको सिर्फ रूल याद रखना है और रूल के तहत अपना सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है इस रूल में चलते हैं रूल नंबर थ्री तो रूल नंबर थ्री में क्या हो रहा है अगर नाउंस एंडिंग विथ एफ और एफ ई अगर एफ ई बदल के क्या बनेगा V और ई जुड़ जाएगा एग्जाम्पल लिफ लीव्स L-E-A-F leaves, L -E -A f है देखो एफ है तो एफ बदल के क्या बनेगा V और ई एस जुट जाएगा लीव्स V -E, e s लीव्स फिर क्या है वाइफ वाइफ्स W-I-F-E wives, w -I -F e है मैंने क्या बोला था एफ या F E होगा तो भी बन जाएगा डब्ल्यू आई भी एस वाइफ्स और एग्जाम्पल लेते हैं लिफ लीव नाइफ नाइफ्स नाउ डू सम प्रैक्टिस फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फिलिंग द ब्लैंक्स करो विथ द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउंस नाउन के प्लूरल फॉर्म से फिलिंग द ब्लैंक्स खाली जगह भरो वन सेल्फ थ्री शेल्फ एफ है तो भी ई एस हो जाएगा वन उल्फ फाइव उल्फ्स डब्ल्यू ओ एल भी ई एस उल्फ्स ये आप सब करते रहोगे प्रैक्टिस अब हम लोग नेक्स्ट रूल में जाते हैं रूल नंबर फोर अब रूल नंबर फोर को बहुत ध्यान से समझना रूल नंबर फोर में क्या है अगर कोई भी सिंगुलर नाउन एंड होता है वाई से तो वाई के आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंट है या नहीं कॉन्सोनेंट क्या होता है कॉन्सोनेंट है या वावल है ये चेक करना पड़ता है वाई के आगे कोई भी सिंगुलर नाउन जो भी एंड हो रहा है वाई से उसके आगे हम लोग चेक करेंगे वावल है या कॉन्सोनेंट है सबको याद होगा वावल क्या होता है फाइव वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू इन पांचों को वावल्स कहते हैं अगर वाई के आगे वावल है तो उसका रूल मैं बताऊंगी अभी उसके पहले कॉन्सोनेंट वाला बताती हूँ वावल को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए कॉन्सोनेंट हमें अच्छे से पता है देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इन अवर इंग्लिश अल्फाबेट हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं फाइव को छोड़ के वावल्स को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए कॉन्सोनेंट आर बी सबको पता ही है कॉन्सोनेंट क्या है सी डी ये सारे क्या है कॉन्सोनेंट है वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई बदल के आई बन जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्टोरी आ स्टोरी एक टू स्टोरी एक कहानी तो स्टोरीज बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा स्टोरीज तो वाई लास्ट में वाई है वाई के आगे क्या है आर आर क्या होता है कॉन्सोनेंट अगर कॉन्सोनेंट किसी को याद नहीं रहता है तो वावल्स को चेक कर लो ए ई e, आई ओ यू इनमें से कोई है नहीं है इसका मतलब ये बात कॉन्सोनेंट है तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई बदल के आई बन जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टोरीज वाई बदल के आई बना और ई एस जुड़ गया और भी होता है क्या होता है लॉरी लॉरीज एल ओ आर आर आई ई एस लॉरीज वाई वाई के आगे आर है वाई बदल के आई बन गया आई ई -E एस लॉरीज बेबी अ बेबी एक ठो बेबी तो बहुत सारे होंगे तो बेबीज बी ए बी वाई वाई है देखो वाई आगे बी बी कॉन्सोनेंट होता है तो बी बदल के आई बन जाएगा आई और ई एस जुड़ जाएगा बेबीज बी ए बी आई ई एस बेबीज बटरफ्लाई देखो y के आगे l है l कॉन्सोनेंट होता है तो y बदल के I बन जाएगा e s y i बन गया और e s जुड़ गया बटर फ्लाइज रूल नंबर फाइव फोर और फाइव को एक साथ कर लेते हैं फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे कोई भी सिंगुलर नाउन वाई से एंड होता है और वाई के आगे अगर वावल रहता है मतलब ए ई -E आई ओ यू इनमें से कोई भी अगर वाई के आगे रहता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा सिर्फ लास्ट में एक एस जुड़ जाएगा चलो एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे टॉय टी ओ वाई टॉय देखो वाई के आगे क्या है वावल है ओ वावल होता है तो क्या होगा कोई चेंजेस नहीं होगा सिर्फ एस जोड़ेंगे टॉयज टी ओ वाई एस टॉयज बॉय बी ओ वाई बॉय क्या हो जाएगा बॉयज़ बी ओ वाई एस बॉयज़ तो याद रहेंगे वाई के दो दो रूल हैं वाई का वाई के अगर आगे कॉन्सनेंट होगा तो वाई बदल के आई बन जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा अगर वाई के आगे वावल है कोई चेंजेस नहीं होगा ओनली एस जुड़ जाएगा सिर्फ एस अब नाउ डू सम प्रैक्टिस राइट द प्लूरल ऑफ ईच वर्ड राइट मत लिखो द प्लूरल प्लूरल लिखो ऑफ ईच वर्ड हर एक वर्ड का प्लूरल फॉर्म लिखना है लेडी लेडीज बेबी बेबीज वाई के आगे क्या है कॉन्सोनेंट तो वाई बदल के आई बन जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा बॉय देखो वाई के आगे वावल है तो कोई चेंजेस नहीं होगा only s जुड़ेगा boys b o y s boys बाकी सब आप लोग करो नेक्स्ट रूल में जाते हैं रूल नंबर सिक्स प्लर टू प्लोरल कन्वर्ट करने का सारा रूल कवर करेंगे इसलिए सिक्स रूल नंबर सिक्स को भी आप लोग जान लो इसमें क्या होता है नाउंस विच आर एंडिंग विथ डबल वावल्स डबल वावल्स मतलब बावल तो पता ही है ए आई ओ यू अगर डबल डबल बावल रहे लास्ट में तो सिर्फ एस जुड़ेगा चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैंगारू, K -N, कैंग रू के ए एन कैंग जी ए का आर डबल ओ रू देखो डबल बावल है डबल ओ है ये क्या है दोनों ही बावल है अगर दो दो बावल से एंड होता है तो सिर्फ एस जुड़ता है कैंगा रूज बी बीज डबल ई है और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे नाउ वी आर गोइंग टू द रूल नंबर सेवन अब हम लोग जानेंगे रूल नंबर सेवन और कुछ कुछ सिंगुलर नाउन को हम लोग उसका स्पेलिंग ही पूरा चेंज कर देते हैं स्पेलिंग चेंज करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं चलो ये कुछ ही होते हैं ये ज़्यादा नहीं होते हैं इसे याद कर लेने से ही हो जाएगा अच्छे से आप लोग याद कर लो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होते हैं तो हो जाएगा तो स्पेलिंग चेंज करके देखते हैं क्या क्या होता है जैसे वन मैन एक आदमी तो बहुत सारे क्या हो जाएगा मेन एम ई एन मेनी मेन हो जाएगा मैन मेन ए e में बदल जाएगा Woman, वेमन. देखो मैन का ही वेमेन में कोई चेंजेस नहीं है सिर्फ मैन की जगह पर मेन हो रहा है ई e में बदल जा रहा है फिर नेक्स्ट क्या है चाइल्ड अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा चाइल्ड बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन सिर्फ आर ई एन जुड़ जाता है आर चाइल्ड चिल्ड्रेन ऑक्सन ओ एक्स ई एन जुड़ेगा ऑक्स ऑक्सन एन ऑक्स मेनी ऑक्सन वन फुट टू फीट माउस माइस एक हुआ तो माउस बहुत सारे हो गए तो माइस एम आई सी ई माइस अ गूज एक गूज जी डबल ओ एसी गूज तो क्या हो जाएगा मेनी होंगे तो गीज डबल ओ डबल ई में बदल जाएगा जी डबल ई ए सी गीज गूज गीज टूथ टी डबल ओ टी एच टूथ एक दांत तो बहुत सारे होंगे तो टिथ टी डबल टी टिथ जैसे फुट फिट उस तर, उसी तरह ही टिथ तो इन सबको अच्छे से याद कर लेना है और कुछ भी नहीं तो में चेंजेस हो जाएंगे ऐसे कौन कौन से हैं याद करो मैन मैन वुमन वुमेन चाइल्ड चिल्ड्रन ऑक्स ऑक्सन फुट फिट गुज गिज टूथ, टिथ माउस माइस ये सारे आप लोग याद कर सकते हो याद कर लेना रूल नंबर एट सम नेमिंग वर्ड्स रिमेन द सेम इन दिय सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहता है कोई बदलाव नहीं होता है बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये कुछ ही होते हैं सिंगुलर में भी सेम रहते हैं प्लूरल में भी सेम रहते हैं जैसे एग्ज़ाम्पल फिश मछली अ फिश एफ आई एस एच फिश एक होगा तो भी फिश बोलेंगे मेनी होंगे मिलियंस होंगे मतलब बहुत सारे होंगे तो भी, भी हम लोग फिश ही बोलेंगे एफ आई एस एच उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा ये एक्सेप्शनल है इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कुछ अलग होते हैं जो रूल नहीं मानते हैं थोड़े से ज़िद्दी होते हैं तो लास्ट में ये तुम बोल सकते हो लास्ट में तो ऐसा ही है लेकिन नहीं इसको फॉलो नहीं करेंगे क्या होगा फिश फिश होगा ये चेंज नहीं होता है ये शिप शिप डियर डियर चौक चौक ये सारे क्या होते हैं सेम रहते हैं चेंजेस नहीं होता है इनमें बच्चों नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द एट रूल्स नाउ ये मेरे बेटी का बुक है उसमें ये वर्कशीट है इसको करते हैं करके देखते हैं आप लोग भी इसे करो प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट लेट्स स्टार्ट फिल इन द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म्स फिल मतलब भरो प्लूरल फॉर्म्स को भरो ऑफ द नाउन नाउन के प्लूरल फॉर्म्स को भरो ब्रैकेट्स जो ब्रैकेट में दिए गए हैं टू कंप्लीट द सेंटेंसेस वाक्य को कम्प्लीट करने के लिए तो ये जो नाउंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में इसका प्लूरल फॉर्म से हमें भरना है इसका मतलब ये दिया हुआ है किसमें सिंगुलर में दिया हुआ है हमें किस में लिखना है प्लूरल फॉर्म में चलो स्टार्ट करते हैं नंबर वन अकाउ हैज फोर फूट है तो क्या होगा फूट वन होता है तो फुट होता है बहुत सारे होते हैं तो फीट, फोर फिट एफ डबल ई टी फिट नंबर टू द कैट किल्ड मैनी माउस वन होता है तो माउस -E होता है तो, तो बहुत सारे होते हैं तो माइस एम आई सी ई माइस द कैट किल्ड मैनी माइस द डैश आर प्लेइंग द चाइल्ड है एक होता है तो चाइल्ड होता है मैनी होता है तो चिल्ड्रन द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एक चीज़ है मैं इसका और एक ठो पार्ट करना है मुझे सेंटेंस का सिंगुलर प्लुरल का उसमें मैं बताऊँगी आर कब लगता है इज कब लगता है हमें अच्छे से पता है कि ईज एक में लगता है और आर मेनी में लगते हैं बहुत सारे में तो यहाँ चाइल्ड गलती से भी नहीं बैठेगा क्योंकि ये एक है अगर चाइल्ड होता तो ईज होता द चाइल्ड इज प्लेइंग होता लेकिन यहाँ पर क्या करना है आर हुआ है ऐसे भी हमें बोला गया है प्लूरल फॉर्म में करो तो ये सब ध्यान देना आप लोग तो क्या होगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग चिल्ड्रन बहुत सारे के साथ हम लोग आर लगाते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग नंबर फोर प्लीज गिव मी टू डैश ऑफ ब्रेड लुफ तो क्या हो जाएगा लुफ्स एल ओ एफ है तो क्या हो जाएगा एफ बदल के क्या बन जाएगा फ -E बदलता है भी में एल ओ एस लुक्स ऑफ ब्रेड नंबर फाइव द डैस आर हाउलिंग इन द फॉरेस्ट क्या होगा उल्फ एफ है लास्ट में तो क्या हो जाएगा उल्फ डब्ल्यू ओ एल भीफ बदल के भी बन जाता है नंबर सिक्स रोजी एट टू डैश मैंगो लास्ट में ओ है तो रूल नंबर टू में पढ़े थे हम लोग क्या क्या एस एच एक्स ओ ओ लास्ट में ओ रहने से एस एच एक्स ओ इन चारों में से कोई भी रहने से क्या करना पड़ता है ई e एस जोड़ना पड़ता है एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज नंबर सेवन द डैश आर सिटिंग ऑन स्वीट्स Fly, F L Y, Y, Y के दो दो हम लोग पढ़े थे रूल Y के अगर आगे कॉन्सोनेंट होगा तो Y बदल के i बन जाएगा और ई एस जुड़ जाएगा अगर Y के आगे वावल है तो कोई चेंजेस नहीं होगा सिर्फ एक एस जुड़ेगा तो बताओ यहाँ पर क्या है Y के आगे L है L क्या होता है कॉन्सोनेंट तो कॉन्सोनेंट होने से क्या करेंगे Y बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्लाइज एफ एल i E S flies the flies are sitting on sweets number eight. the dash are open क्या खुला हुआ है विंडो ये नॉर्मल है क्या हो जाएगा विंडोज एस जुड़ जाएगा w i n d o w s विंडोज नंबर 9 the dash in the field are working the man man है तो क्या हो जाएगा प्लुरल में फॉर्म में क्या हो जाएगा मैन का मैन एम ई एन मेन द मैन इन द फील्ड आर वर्किंग द डैश आर गेजिंग इन द फील्ड गोट क्या होगा ये नॉर्मल है एस जुड़ेगा गोट्स जी ओ ए टी एस गोट्स द गोट्स आर गेजिंग इन द फील्ड नंबर ट्वेल्व देर वेर मैनी डैस इन हिज बैग देर वेर मैनी देखो लास्ट में क्या है एच एस एच क्या रूल था एस एच एक्स ओ एस एच सी एच डबल एस लास्ट में रहेंगे तो क्या होगा ई एस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे ई एस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा ये ब्रशेस बी आर यू एस एच ई एस ब्रशेज देर वेर मैनी ब्रशेज इन हीज़ बैग उसके बैग में बहुत सारे ब्रशेस है नंबर थर्टीन देयर आर मैनी डैस एट द बस स्टैंड क्या है ये बस एस है तो क्या होगा एस एच एक्सो ई एस जुड़ जाएगा बसेस बी यू एस ई एस बसेस नंबर फोर्टीन सम डैस आर डांसिंग इन द रूम सम गर्ल है तो क्या होगा गर्ल्स सम गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम आ बनियन हैज बिग ब्रांचेस ब्रांचेस yes, तो यहां पर यह खत्म होता है करने दिया गया है चेक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द नेम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चेक करो प्लूरल करेक्ट प्लोरल फॉर्म कौन सा होगा ऑफ द नेम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो नीचे का सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नंबर वन देयर वर टेन डैस प्लेइंग ऑन द बीच चिल्ड्रंस या चिल्ड्रेन क्या होता है चिल्ड्रेन होता है एक होता है तो क्या होता है चाइल्ड बहुत सारे होते हैं तो चिल्ड्रेन कोई भी सेंटेंस पढ़ो रूल को बार बार रिपीट करते रहो तो क्या होगा वन होता तो होता चाइल्ड बहुत सारे होते हैं तो चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन ये होगा तो क्या होगा टेन चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द बीच नंबर टू रियल लॉस्ट वन डैश लास्ट ईयर क्या होगा वन है एक बोला गया टूथ या टिथ वन होता है तो टूथ बहुत सारे होते हैं तो टिथ तो क्या होगा टूथ वन टूथ टी डब्लो टी एच नंबर थ्री वी सॉ फाइव डैश इन दूड्स वी सो फाइव क्या डियर्स या डियर डियर होगा ये एक में भी डियर होता है मैनी में भी डियर होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है तो क्या क्या था चेंजेस नहीं होता एक बार रिपीट करो फेस डियर चौक होता है शिप ये सारे चेंजेस नहीं होता तो क्या होगा फाइव डियर नंबर फोर कैट्स केयर वन डैश अवे माउस या माइस वन होता है तो माउस बहुत सारे होते हैं तो माइस तो so, क्या होगा वन माउस अवे नाउ किड्स गो थ्रू द चैप्टर एंड रूल्स प्रॉपरली अच्छे से और प्लूरल के ऊपर वर्कशीट मैं जल्दी ही भेजूँगी मेरे शॉर्ट वीडियोस में तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू